Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। रुखसाना, घुंघरू लेकर आओ, हमारा रक्स करने का दिल चाह रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आप कितनी उदास थी। रुखसाना, इंसान अपने मसलों में खुद ही उलझने पैदा करता है, लेकिन जब वो इन अड़चनों को पार कर लेता है तो उसके लिए हुए फैसले का अंजाम खुशगवार होता है, फिर तो बस खुशियां ही खुशियां। तुम्हारी खुशियों के दिन लद गए मोती भाई। लच्छो साहिबा, आप हमसे हमेशा ऐसे जले कटे अंदाज में क्यों बात करती हैं? ना मेरी बहन, मैं तो तुम्हें समझाने चली आती, हमारी बिरादरी की हो ना, इसीलिए। माफ कीजिएगा, हमें जीने का सलीका आता है। यही तो तुम्हारी भूल है मोती भाई। तुम इस खुशफहमी में हो कि झांसी पर हुकूमत करने वाले के दिल पर तुम हुकूमत करती हो। यकीन ना हो तो वक्त बता देगा। वक्त ने बता दिया है मोती भाई, शायद तुम्हें खबर नहीं, राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका से शादी करने का फैसला कर लिया है। अब बांध लो रखते सफर। ना मैं झांसी से कहीं जाऊंगी और ना ही उनके दिल से, समझी आप? फिर तो यहां तुम्हें झांसी की मलिका की कनीस बनकर रहना होगा। लच्छो साहिबा, आप फकत हमें एक ठुमके लगाने वाली तवायफ समझती होंगी। गंगा के दिल पर मोती का हार डाला जा चुका है, शादी का फैसला करना और बात है, और शादी होना और बात है। देखिए, मेरे पैरों के घुंघरू बुंदेलखंड की तारीख बदल देंगे। मैं बाजीराव, अपनी छबीली का विवाह गंगाधर राव के साथ होना स्वीकार है। ऐसे ही है। ये क्या, इस शुभ अवसर पर ये वस्त्र? क्षमा कीजिए श्रीमंत सरकार, परंतु एक पल के लिए, केवल पिता बनने का बन गया, तो आपके इस पुत्र के द्वारा मित्र मोरपंत, क्या तुमने इस बाजीराव को इतना स्वार्थी समझ रखा है कि गंगाधराव से संबंध खराब होने के कारण हम हमारी छबीली के सुनहरे भविष्य को दांव पर लगा लें? नहीं श्रीमत सरकार, इस सेवक ने मनु को अपने से अधिक आपकी पुत्री समझा है, इसीलिए मोरपन, इसीलिए हमने अपनी कड़वाहट भुलाकर यह संबंध स्वीकार किया है। मोरपंत, हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न। पर आप तो होने वाली महारानी के पिता हो। कैसी बात कर रहे हैं सरकार? सरकार, पर सरकार, सेवक तो सदैव आपका सेवक ही बना रहेगा।
आपके उपकारों को इस जीवन में नहीं चुका पाए। अपनों पर उपकार किया नहीं जाता, अधिकार दिए जाते हैं, और ये तो तुम्हारा हक है। मोरूपन, तुम स्वामी निष्ठा की पराकाष्ठा हो, उसका थोड़ा तुरुण हमें चुकाने दो। बस बचे रहो, बस तुमने तो मोरूपन को भावुक कर दिया। और चलो मोरूपन, जल्दी से वस्त्र बदल लो, हमें इंदु की विदाई भी तो करनी है। क्या स्वर्णिम संयोग है, एक पुत्री विदा हो रही है और दूसरी का संबंध तय होने जा रहा है। क्या कर रही हो प्राची? क्या हुआ प्राची? मन्नू दीदी, आप इंदु दीदी के पापा को छोड़ के चले जाओगे? नहीं नहीं प्राची, और तुम भी जहां भी जाओगी हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सुनिए, अभी आप इंदु को आशीर्वाद दीजिए, मनु के जाने में थोड़ा समय है। मोरूपन, मैंने अभी तक मनु को कुछ बताया नहीं है, ये शुभ समाचार तुम्हें उसे देना। मैं वैनी सर, वैनी सर, ऐसे समाचार तो कन्या को उसकी माँ देती है। मनु की माँ तो ठीक है मोरूपन, मैं दूंगी उसे ये शुभ समाचार। देखो तो आसुबा कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे। आसुबा भी हमारे झांसी की दासी बनने पर कितने प्रसन्न है। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।